राइट क्लिक रन जावा एप्लीकेशन। raj@gmail.com 1 2 3 4 5 हो गया लॉगिन। जैसे ही मैंने किया डैशबोर्ड ओपन हुआ और लॉगिन सक्सेस हो गया। हमें दो काम करना है, इस पे क्लिक हमें ना करने का जरूरत है, सीधा बड़ा सा खुले और मैसेज तो ना आए, समझ रहे बात को आप लोग। तो लॉगिन फॉर्म को मैं क्लिक करूंगा और फिर ये रजिस्टर ये लॉगिन का जो ये लिसनर है ना, लिसनर में जाना चाहिए मेरे को, क्योंकि लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लिसनर वाला कॉल होता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉगिन सक्सेस का ये हमने दिया है मैसेज, इसका कोई मीनिंग नहीं है, गायब कर दो, हो गया। और अब डैशबोर्ड पे जाऊंगा मैं, यहाँ से यहीं पे ऑब्जेक्ट बन रहा है डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे एक तो और ऐड करूंगा मैं, दिस डॉट सेट एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड स्टेट। और इसमें क्या कर देंगे हम, एक तो ऑप्शन होता है बोथ, ये देखो मैक्सिमाइज्ड बोथ कर दिया इसमें क्लिक, और फिर इधर ये आ गया। अब मैं जब रन करूंगा क्लिक करके तो ये बड़ा सा विंडो खुलेगा, जिसको कहेंगे बड़ा विंडो, raj@1234567। क्लिक किया मैं, डायरेक्टली खुल के बड़ा सा आ गया फॉर्म। अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही स्टूडेंट पे क्लिक करूं तो इसी विंडो पे एक और बड़ा विंडो खुल के सामने आ जाए, न्यू फॉर्म बनाना है हमको, तो मैं इसको करता हूं यहां से क्लोज। और फिर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा फॉर्म पे, करूंगा न्यू क्लास। न्यू क्लास करने से पहले मैं कुछ कॉपी करूंगा, ये चीजें को मैं कॉपी कर ले रहा हूं, ये देखिए लॉगिन फॉर्म नहीं, डैशबोर्ड वाले में से कॉपी करता हूं मैं, ये कुछ प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, इधर न्यू क्लास ले लूंगा, न्यू क्लास, फॉर्म के बाद डॉट स्टूडेंट पैकेज बनाऊंगा, इधर स्टूडेंट के बाद आऊंगा अंदर और यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया मैं, क्लास मैनेज स्टूडेंट लिखता हूँ, मैनेज स्टूडेंट हो गया। और कर दूंगा मैं फॉर्म डॉट स्टूडेंट, जैसे मैं लिखा ना तो फॉर्म पैकेज के अंदर जैसे लॉगिन बना है ना, वैसे ही फॉर्म पैकेज के अंदर स्टूडेंट पैकेज बनेगा और स्टूडेंट पैकेज के अंदर मैनेज स्टूडेंट नाम का एक क्लास बन के रेडी हो जाएगा, देखना। फिनिश किया मैं, ये देखो आ गया ना नीचे, हम स्टूडेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट का स्पेलिंग गलत किया हूं मैं, आप भी ऐसे गलत कर सकते हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं है, रिफ्रेक्टर में जाके रिनेम करना है। और रिनेम में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, ऐसे हो गया, कर देंगे फिनिश। जैसे ही फिनिश करूंगा तो ये देखो ये क्लास भी यहाँ पे बदल गया ना, बस हो गया। और यहाँ पे मैनेज लिखूंगा, ऐसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, समझ रहे हो। एक तो आईडी आता है नेटबीन्स, तो नेटबीन्स में हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम होता है। लेकिन अभी आप मैन्युअली कोड लिखना सीखें इसलिए मैं नहीं यूज कर रहा हूँ नेटबीन्स वगैरह, नहीं तो नेटबीन्स तो इतना आसान मतलब, लेकिन उसके बारे में मत सोचो आप, हम जहाँ हैं ठीक है। मैं स्टूडेंट में ही एक मेन फंक्शन बना रहा हूं और यहां पे कर देता हूं न्यू मैनेज स्टूडेंट। थोड़ी देर के लिए मैं चला के देख रहा हूं, ये बन के आ गया है ऐसा फॉर्म,
कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिख देता हूँ सुपर सुपर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैनेज स्टूडेंट, ऐसा काम बन गया हमारा। अब जैसे हमने डैशबोर्ड फॉर्म में कुछ बार्स वगैरह ऐड किया है ना, ऐसे ही बार मैं ऐड कर लूंगा कहाँ पे, इधर भी ऐड कर लूंगा ऐसे ही। तो आऊंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, स्टाफ को हटा करके मैं क्या कर दूंगा, हाँ ऐड स्टूडेंट में कर दिया। और ऐड स्टूडेंट के बाद अभी इतना ही छोड़ देता हूँ ऐड स्टूडेंट, जरूरत पड़ेगा तो हम कुछ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं करूंगा बार डॉट ऐड ऐड स्टूडेंट कर दिया मैं। ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा हमें, ऐड स्टूडेंट ऐसे, और यहाँ पे कर देंगे ऐड स्टूडेंट। इसमें आइकन हम फिट करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं आइकन का जुगाड़ करके लेके आऊंगा तो ऐड कर दूंगा, ठीक ना। अब क्या करना पड़ेगा, बार डॉट ऐड, फिर दिस डॉट ऐड ऐड और बी बार ऐड हो गया, लेकिन बार का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, टूल बार हो गया, टूल बार का सेट बॉन्ड्स भी सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से उठा के ले लाएंगे ऐसे, एक्सटेंडेड स्टेट भी, अच्छा एक्सटेंडेड स्टेट तो वही होगा। हो गया काम हमारा। अब मैं आता हूँ डैशबोर्ड में, अरे जो स्टूडेंट वाला है ना, स्टूडेंट वाला बटन दिमाग स्टूडेंट डॉट ऐड एक्शन लिसनर में क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे ऐसे और ऐसे करके कर देंगे ऐसे, हो गया। और यहाँ पे मैं कर दूंगा न्यू मैनेज स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, मैनेज स्टूडेंट का मैं क्या करूंगा, मैनेज, ये देखो मैनेज स्टूडेंट का यहाँ पे मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, सेमी कॉलन हो गया काम। अभी क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या करा है, मैनेज स्टूडेंट में क्या कोड मैंने लिखा है, एग्जिट और क्लोज, तो इसका इफेक्ट देखना क्या होगा। अभी मैं लॉगिन फॉर्म को रन करता हूँ, लॉगिन फॉर्म को मैंने रन कर दिया, राज, स्पेलिंग गलत है शायद, gmail.com आ गया। जैसे ही स्टूडेंट पर क्लिक किया, स्टूडेंट फॉर्म खुल गया ना, इसको छोटा करूंगा तो इसके पीछे है डैशबोर्ड वाला, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नहीं, पीछे नहीं हटेगा, वो तो डैशबोर्ड है, वो रहेगा, वो मेन डैशबोर्ड है, वो नहीं हटेगा। तो बनने दो पहले, फिर देखेंगे। अब मैंने किया क्या हुआ अभी कि मैंने मैनेज फॉर्म को, सुनो तो पहले, मैनेज फॉर्म पे जैसे ही मैंने क्लोज किया तो पूरा एप्लीकेशन बंद हो गया, होना तो नहीं चाहिए था ना, तो हमें डिस्पोज करना पड़ेगा। ये देखो डिस्पोज ऑन क्लोज दिया हुआ है। अब व्हेन डिस्प्ले वर्चुअल जावा वर्चुअल मशीन एंड टर्मिनेटेड, ये हमें डिस्पोज करना है, समझ रहे हो, डिस्पोज ऑन क्लोज कर देना है, ठीक। तो इसी पे मैं क्या करूंगा, डिस्पोज कर दूंगा फॉर्म को, हो गया, अब हमारा ठीक काम करेगा। तो राइट क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर्म को फिर से, मैं यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कि मैं जैसे ही मेमोरी का बात करने लगूंगा आप लोगों के, लोगों को बातें फिर बहुत कम समझ में आने लगेगा, तो इसलिए
हो गया। अब इसको मैं जैसे ही क्लोज किया तो पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे, और जैसे इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, रैम में भी होने लगेगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा ना प्रोग्राम। तो यही अब हमें क्या करना है, सीधा मैं डायरेक्टली रन कर देता हूँ मैनेज स्टूडेंट वाला फॉर्म आ गया। अब इस पे क्लिक मैं करूं तो जैसे इस पे क्लिक किया जाए तो क्या हो, एक फॉर्म ओपन हो और वो स्टूडेंट को ऐड करे, क्या करे वो स्टूडेंट को ऐड करने का फॉर्म को, जिसमें नेम क्लास रोल नंबर पूरा फॉर्म डिजाइन, समझ रहे हैं आप लोग, यही हमें करना है। एक फ्रेम और बनाता हूं मैं, तो इसको देखो बंद किया, लेकिन बंद नहीं हुआ अभी, देखो ये देखो अभी बंद हुआ, मतलब थोड़ा देर लगा, तो ये रैम से भी क्लीन हुआ है पूरा। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐड स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ऐड स्टूडेंट में भी एक इवेंट बनाता हूँ मैं। इवेंट बनाने से पहले यहाँ देखो, यहीं पे राइट क्लिक किया, एक और फॉर्म मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाया और यहाँ पे किया ऐड स्टूडेंट, हो गया, यहाँ पे मैं कर दिया फिनिश, ऐड स्टूडेंट बन गया। अब यहाँ पे ext एक्सटेंड कर देंगे, JFrame हाँ, इसमें फॉर्म का पूरा कोड रहेगा। अब मैं मैनेज स्टूडेंट पे आऊंगा और यहाँ का जो लास्ट का नीचे का कोड है ना, इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया कंट्रोल सी दबा के। ये नहीं चाहिए, मैक्सिमाइज नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है, डिस्पोज ऑन क्लोज भी। यहाँ पे भी मैं मेन मेथड बना के देख लूंगा कि ये कैसा बना है फॉर्म, और यहाँ पे सुपर कीवर्ड लिखता हूं मैं, सुपर, और यहाँ पे एड न्यू स्टूडेंट, राइट क्लिक करके मैं रन कर दिया, इतना बड़ा फॉर्म खुल गया। ये फॉर्म ठीक है, काफी इतना से हम काम कर लेंगे, ये फॉर्म बन के रेडी हो गया। अब इसी फॉर्म का ऑफ इसको मैं अब डिलीट मारूंगा, इसका मुझे जरूरत अब नहीं है। ये कब खुलना चाहिए, जब मैनेज फॉर्म में ऐड स्टूडेंट जो है ना, ऐड स्टूडेंट का एक्शन लिस्नर डॉट ऐड एक्शन लिस्नर, इस पे जब क्लिक किया जाएगा, कहाँ पे ऐड स्टूडेंट जो बटन दिया गया है, मैनेज स्टूडेंट फॉर्म पे, समझ रहे हो बात भाई, जो मैनेज स्टूडेंट क्लास के अंदर जो बटन है ऐड स्टूडेंट, उस बटन पे क्लिक किया जाए तो ऐड स्टूडेंट फॉर्म खुलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ऐड स्टूडेंट बटन मतलब मैनेज स्टूडेंट के ऐड स्टूडेंट बटन के क्लिक इवेंट पे कोड लिखूंगा ऑब्जेक्ट बनने का न्यू स्टूडेंट का, तो ऐड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखना आप लोग, राइट क्लिक करूंगा मैनेज स्टूडेंट पे, भी मैंने मेन मेथड बना रखा है, देख लो यहाँ पे, खुल गया ना। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो खुल रहा है न्यू स्टूडेंट, ऐड न्यू स्टूडेंट आ रहा है ना। हाँ, ये इतना ही बड़ा फॉर्म रहेगा, इससे बड़ा फॉर्म नहीं होगा। अब लॉगिन फॉर्म को मैं रन कर रहा हूँ शुरू से, raj@gmail.com 123456 रन कर दिया, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक किया तो ऐड स्टूडेंट खुला, अब इस पे मैंने क्लिक किया तो न्यू स्टूडेंट को ऐड करने के लिए आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बंद होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब ये मेन डैशबोर्ड फॉर्म आ गया हमारे, स्टाफ और लाइब्रेरी मॉड्यूल पे काम नहीं हुआ है, स्टूडेंट पे ये खुल गया, समझ रहे बात को आप। लाइब्रेरी का मॉड्यूल मैं नहीं बना रहा हूँ, लाइब्रेरी में जैसा इच्छा हो वैसा हम काम कर सकते हैं, पर मैं इसमें काम करने वाला, मैं सिर्फ इसी में काम करूंगा, स्टाफ और लाइब्रेरी में नहीं करूंगा। आपका इच्छा है तो स्टाफ और लाइब्रेरी में भी काम कर सकते हैं, मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा कि नहीं करना है,
ये दोनों आपके ऊपर है, मैं सिर्फ इस पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो हो गया काम। अब एक मैं सारा देखो इधर, इन सभी को मैंने क्लोज किया, अब आता हूँ रजिस्टर फॉर्म पे मैं। एक मिनट, सारा को क्लोज करने से अच्छा इधर मेन मेन है, मेन मेन को हटा देता हूँ कि रहने दो, हटा देते हैं मेन मेन, अभी रहने देते हैं, कोई मार थोड़े ना रहा है, तो रहने देते हैं अभी। अभी मैं रजिस्टर पे आता हूँ, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम को खत्म करते हैं रजिस्टर वाला। नहीं देखो यहाँ पे कुछ भी मैं ये सब डाल करके जैसे मैं रजिस्टर करता हूँ, सक्सेस हो गया, जैसे ओके किए तो ये रीसेट होना चाहिए था, रीसेट नहीं हो रहा है ना, तो रीसेट का कोड चलो लिखते हैं। वैलिडेशन का तो आपने कोड लिख दिया था लेकिन मैंने नहीं लिखा था, चलो नेक्स्ट दिन देखेंगे कभी वैलिडेशन का कोड। ये वाला क्या है, यही है रीसेट का कोड, तो इस रीसेट का कोड को उठाते हैं और कहाँ पे डाल देते हैं, रजिस्टर लिसनर कहीं है, ये है रजिस्टर लिसनर, इतना मेहनत नहीं करना चाहिए, ये रजिस्टर लिसनर है, इसी पे कंट्रोल क्लिक करके आ जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही सक्सेस होता है उसके जस्ट पहले हम हटा देंगे, और दिस के जगह पे क्या करेंगे, इस रजिस्टर फॉर्म वाले में है नेम तो ऐसे है लो। अब क्या होगा, अब वो रीसेट हो जाया करेगा, करके दिखा दो, राइट क्लिक करेंगे रजिस्टर वाले पे और रन कर देंगे प्रोग्राम। रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर सक्सेस हो गया, रीसेट हो गया, अब क्लिक टू लॉग इन कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो बताओ, यहाँ पे डेटाबेस में डेटा आ चुका है, ये देख लो नीचे कई सारे। ठीक है, कुछ पूछना है नहीं पूछना, ठीक है, इतने को कंप्लीट करो तो फिर बाकी को देखते हैं अगले दिन, ठीक है।